रैंक निकलेगा या नहीं वो समय बताएगा बेटा वो, और समय में जो भी आपकी कैलकुलेशन है वो ऊपर वाला कर रहा है आपकी मेहनत के ऊपर, आपके डेडिकेशन के ऊपर, और हो सकता है उसने आपके लिए कुछ और बड़ा भी सोचा। और कल एक ऑल्दो मेरे को ये चीज़ शेयर नहीं करनी चाहिए थी, एक स्टूडेंट के साथ इंट्रैक्शन हुआ, लकीली वो मेरे को मिल गया, ठीक है। और उसने बताया कि बहुत डिप्रेसिव स्टेट में, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव स्टेट में। तो मैंने उसको यही बात बोला कि आप लोग अपने लाइफ को कॉम्प्लेक्स मत बनाओ, जो चीज़ आपको स्ट्रेस दे रही है ठीक है काट दो उन धागों को, ठीक है, और फॉर द टाइमिंग मान लो कि आप फेल करने वाले हो मान लो, लेकिन अभी भी जो आपका समय है उसमें कुछ तो अच्छा हो सकता है। तो आप आने वाले 3-4 महीनों को अपने पिछले 1.5 साल के हिसाब से क्यों खराब कर रहे हो? ये एटीट्यूड डिसाइड कर लो कि ठीक है भाई नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। डिप्रेशन इसीलिए तो आपको हो रहा है, डिप्रेसिव स्टेट इसलिए तो हो रही है कि आपको शायद ना मिले, शायद ना मिले, शायद। लेकिन अगर अभी 3 महीने जो बाकी हैं आपके उसमें अगर मेहनत कर ली तो क्या पता कुछ भी मिल जाए, वो एटीट्यूड भी तो रख सकते हैं, ठीक है भाई। देखो फेल करने से मत डरो, फेल करने से मत डरो, लेकिन यस फेलियर को एक्सेप्ट करने से जरूर डरो, ठीक है। तो आपका रैंक आएगी या नहीं आएगी वो समय बताएगा, मैं नहीं बता सकता, ना ही आप बता सकते, और कोई भी इस धरती पर बैठ के नहीं बता सकता कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। मैं ये जरूर कह सकता हूं कि हाँ बेटा अगर आप दिन रात उस शिद्दत के साथ पढ़ाई करोगे तो ऑब्वियसली है कि आपके पास कुछ ना कुछ ऊपर वाला अच्छा आपके हाथ में जरूर देगा, हो सकता है वो रैंक हो या हो सकता है उससे भी बड़ा हो, वो भगवान ही डिसाइड करेगा। भाई देखो एक बहुत सिंपल सी लाइन है, ठीक है, बहुत सिंपल सी लाइन है, जो चीज आपके हाथ में नहीं है वो है कल, वो है कल, और दूसरा है फल, ठीक है, सिंपल सी बात। कल क्या होगा वो भी आपके हाथ में नहीं है, और फल क्या होगा वो भी आपके हाथ में नहीं है। जो ओनली चीज जो आपके हाथ में है दैट इज कर्म, ठीक है, तो आप कर्म करिए, ओके। हाँ, डोंट मेक IIT योर लाइफ, ठीक है, IIT कैन बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ बट डोंट मेक IIT और दिस प्रिपरेशन योर लाइफ, ठीक है। आपकी जिंदगी इससे बहुत बड़ी और बहुत अमूल्य है, बिलीव मी, ठीक है, ये एक फेज है। और IIT करने का एक क्रेज जो है आपके अंदर वो सिर्फ अगर इसलिए है कि मेरे को लर्निंग करनी है, और बिलीव मी ये एक ऐसी चीज है जो आप अपनी मेहनत से पाना चाहते हैं, ठीक है, तो इसलिए आप इसको करिए। किसी के टैग या किसी के टारगेट से ओरिएंट होके बिल्कुल मत करिए, अदरवाइज लाइफ में आप आगे जाके बहुत रिग्रेट करेंगे, क्लियर, ओके, राइट। आइए एंजॉय दिस लर्निंग फेज बेटा, एंजॉय द लर्निंग फेज। रिजल्ट्स आपके हाथ में नहीं है, मैंने बताया ना कल, और कल भी आपके हाथ में नहीं है। नोट्स बनाइए बेटा जितना आप बना सकते हैं, मैंने वही तो कहा, ये दिस इज अ गेम ऑफ एफिशिएंसी राइट नाउ। आप अपने आप को कितना एफिशिएंट रखते हैं बीइंग इन डिप्रेसिव स्टेट, आप बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा वो है, आप अपने आप को कितना कंसिस्टेंट रख सकते हैं, कितना एफिशिएंट रख सकते हैं, इसी का खेल है, लिटरली बता रहा हूं। इसमें से जो बच्चा चुपचाप करता चला जाएगा ना, चैं चैं पैं पैं, जो इतना शोर है उसको कान से एक कान से निकाल के दूसरे कान से निकाल देगा, लिटरली बता रहा हूं। रैंक वाले दिन वो खुद बोलेगा कि सर बिलीव मी बड़ी आसानी से करा जा सकता था। नहीं भी मिलेगा ना, नहीं भी मिलेगा तो लाइफ में हम अपने आप को इतना काबिल बना लेंगे कि कुछ ना कुछ ले जाएंगे, ठीक है, बी लाइक दैट यार।